बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोगों के साथ हमने वो वीडियो शेयर किए जो और मेडिसिन के बारे में थे और कुछ फ्रेटस के बारे में थे और बायोडीन और हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में थे। ये सब वीडियोस हमने आपके साथ शेयर किए। अभी हम कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो प्लेजिल 400 मिलीग्राम है। तो अब बात करेंगे हम कि प्लेजिल 40 मिलीग्राम का जो है ना इम्पोर्टेंट क्या है और किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस प्लेजिल पे कि ये किस किस चीज़ों में काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये किलिंग बैक्टीरिया में काम करते हैं कि बैक्टीरिया जब आपके बॉडी में एंटर हो जाए तो वो मुख्तलिफ डिजीज काज करते हैं। कभी कंस्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग, जिस तरह लंग्स के डिजीज़ है, बोन्स के डिजीज़, स्टमक के डिजीज़ है, जेंटियल ट्रैक के, फिल्विक एरिया की जो डिजीज़ है, सब बैक्टीरिया की वजह से काज होते हैं। लेकिन उसके लिए हम जो लो लेवल पे यूज़ करते हैं प्लेजिल यूज़ करते हैं। ठीक है, इनिशियल लेवल पे, मतलब दो तीन स्टेज होता है डिजीज़ के, इनिशियल एंड फिर जैसे इसमें दूसरा लेवल है, तीसरा भी होते। तो इसमें हम बात करते हैं कि प्लेजिल को हम यूज़ किस सिचुएशन में करते हैं। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप लोग खांसते हैं लेकिन पुश्त में कभी कभी हम बात करते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन एंटर हो जाए तो फिर आपको कुछ फील होता है। ठीक है, या आपके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन आ जाते हैं, या आपके पेट जो है ना ख़राब हो जाते हैं, या फिर आपके माइंड सेट जो है ना वो इस तरह काम नहीं करता जिस तरह नॉर्मल पोजीशन में करते। ठीक है, तो आप खुद बखुद आपको पता चल जाता है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो गया। ठीक है, जब बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं तो प्लेजिल का मोस्टली काम ये है कि ये हम डायरिया कंस्टिपेशन में यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हम अगर हम बात करें तो ईद के दिनों में हम गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा, फिर इस तरह के पानी भी उसके साथ पीते हैं और पेप्सी वगैरह सब। तो इनडाइजेशन मतलब डाइजेशन तो सही तरीके से नहीं होता है ना, कभी कुछ पीसेस सॉलिड होते हैं, कुछ थोड़ा नॉर्मल होते हैं, तो डाइजेशन तो सही तरीके से नहीं होता। तो फिर हम इसके लिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है, प्लेजिल का ज़रूरत है। ठीक है, जब भी डाइजेशन सही तरीके से नहीं होता, और कभी कभी जब लोग इस तरह कोई चीज़ें कहे तो फिर उसके बाद नसवार लगाते हैं या सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। जब इस तरह होटल रेस्टोरेंट में बंदा अच्छा खाना खाए और इस तरह पाँव इस तरह करते और स्मोकिंग करते, ये डबल नुकसान है आप लोगों का। ठीक है, मैं ये बात नहीं करता कि ये बड़ा खाना अच्छी बात नहीं है, ये वो बहुत अच्छी बात है जब आप तरीके से खाते। इस तरह नहीं कि पहली दफ़ा आपको किसी ने गोश्त यहाँ रखा और आपने सब खाया, ठीक है, ये भी अच्छी बात नहीं है। फिर आपको प्लेजिल का ज़रूरत है, और बाज़ लोग इस तरह करते हैं कि इसके पीछे सिगरेट इस तरह करते हैं तो डबल नुकसान हो गया। बस डबल तो आपका स्टमक भी तबाह हो गया, फिर आप एक्सोजिल का यूज़ करेंगे, और दूसरी बात यह है कि आपने अपना लंग्स को भी तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, इसमें दो नुकसान है। तो हम अब यहाँ बात करेंगे प्लेजिल के बारे में किस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हैं। जब आपके लंग्स, ब्रेन और जो क्या स्टमक और ये सब चीज़ें जो डाइजेशन ये सब एबनॉर्मल हो जाए, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो फिर हम उस सिचुएशन में प्लेजिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मेट्रोनिडाजोल ये फार्मूला है, इसके मेट्रोनिडाजोल जो है ना ये एंटी अमेबिक एंटी इन्फेक्टिव है। ठीक है, ये इन दोनों में काम करते हैं। जब भी आपका कोई पेल्विक रीजन में ये वो पेल्विक रीजन में इसमें लिखा है कि पेल्विक रीजन में भी ये काम करते हैं। पेल्विक रीजन का मतलब है कि यूरिनरी ट्रैक, जब आपका जो यूरिन फॉर्मेशन होता है ना उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आ जाए तो फिर आपने प्लेजिल यूज़ करना है। जिस तरह स्टूल में कुछ मसला आ जाता है या यूरिन में कुछ मसला आ जाता है, उस सब के लिए ये प्लेजिल यूज़ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब प्लेजिल का बात हमने की, अभी हम करते हैं पिरिटोन का बात। पिरिटोन हमारे साथ इस तरह येलो कलर का छोटे छोटे टेबलेट्स होते हैं। ठीक है, और इसका इम्पोर्टेंट क्या है कि अभी हम बात करेंगे पिरिटोन का इम्पोर्टेंट क्या है। ठीक है, ये इसका जो फार्मूला यहाँ पर लिखा भी है पिरिटोन का, और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा कि इसका इम्पोर्टेंट क्या है। पिरिटोन हम इस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब आपके बॉडी पे एलर्जिक रिएक्शन आ जाए, IgG, IgM एंड इस तरह और भी एलर्जिक रिएक्शन है, हाइपर सेंसिटिविटी जो कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी की सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं पिरिटोन। ठीक है, पिरिटोन उस टाइम में हम यूज़ करते हैं अगर हम किसी रास्ते पे जाते हैं और पौधों पे कुछ एलर्जिक रिएक्शन है, अगर हमारा बॉडी सेंसिटिव है और उसके साथ उसका नहीं लगता तो फिर वो अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर आपके बॉडी पे रैशेज आते हैं और इस तरह कुछ गले पे इस तरह सब एरिया जो है ना रेड हो जाते हैं, उस सिचुएशन में हम पिरिटोन यूज़ करते हैं। ठीक है, पिरिटोन में थोड़ा सा आराम भी है, रिलैक्सेशन है। ठीक है, अगर आप डबल पिरिटोन यूज़ करते हैं तो आप रात के टाइम पर डायरेक्ट सोते हैं, इसमें नशा भी है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इतना हाई लेवल का नहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन पिरिटोन का यूज़ जो है ना मेनली एलर्जिक रिएक्शन में, जब आपको एलर्जी हो जाए या आपको
धुंध से एलर्जी है या किसी स्मोकिंग से एलर्जी है, उस टाइम में आपको जब एलर्जी क्रिएशन हो जाते हैं तो आपकी चेस्ट जो एलर्जी वो कास्ट होते हैं, फिर आप कपिंग करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो एलर्जी क्रिएशन है। तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं फिरिटान। फिरिटान का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम ये यूज़ करें तो रात के टाइम, तो फिर आपका जो ब्रेन है ना वो स्टिमुलस वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा कुछ टाइम के लिए और आपको नींद बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ फिरिटान की इंपॉर्टेंस, ये प्लेजिल की इंपॉर्टेंस। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा, मैंने तो आप लोगों को इंपॉर्टेंस बताई लेकिन मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं पूरा जो डिग्री मैंने कंप्लीट नहीं किया अभी तक, जस्ट फॉर माइंड परमिशन और न्यूरन परमिशन मैंने जो जितना नॉलेज गेन किया तो उसके बारे में आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह नहीं कि मैं पूरा डॉक्टर हूँ या कुछ इस तरह। तो आप जो भी ये टेबलेट यूज़ करते हैं डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के मुताबिक यूज़ करें, जो डिटेल आपको वो बताए उसके मुताबिक यूज़ करें। बिल्कुल मैं किसी का जिम्मेवार नहीं हूँ कि मैंने बताया कि फिरिटान का ये इंपॉर्टेंस है, प्लेजिल का ये, वो आप यूज़ करें, ठीक है। मैं इसका जिम्मेवार नहीं हूँ लेकिन मैंने जस्ट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया। एंड थैंक यू सो मच, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।